बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिक्स में। आज ही हमारे किचन में बन रहा है आलू गोश्त, तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। चिकन 1/2 kg, प्याज 1 अदर, आलू 2 अदर, दालचीनी 1 अदर, बड़ी इलायची 5 अदर, छोटी इलायची 5 अदर, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पीसी हुई 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, टमाटर 2 अदर। उससे पहले पतीली में 3 गिलास पानी डालें, फिर उसमें चिकन डालें, आलू डालें, टमाटर डालें, लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, प्याज स्लाइसेस में कटी हुई डालें, स्पाइसेस डालकर ढक कर धीमे आंच पर गला लें। यखनी अलग कर लें। अब पतीली में 1/2 कप तेल डालें, पिसी धनिया 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून डालकर खूब अच्छी तरह भूनें। और फिर उसके बाद उसमें यखनी डालकर हरा धनिया, हरी मिर्च और पिसा गरम मसाला डालकर दम पे रख दें। जी, ये है आलू गोश की फाइनल लुक। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आऊँ कीजिए अब मैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, रेसिपी का इंतज़ार कीजिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।